नमस्कार, मैं सोनी ओझा स्वागत करती हूं आपका NN24 न्यूज में। बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। पवित्र माह रमजान की समाप्ति पर खुशनुमा माहौल में ईद बस्तर में मनाई गई। जगदलपुर शहर के ईदगाह परिसर में आपसी भाईचारे की मिसाल पेश की गई और देश प्रदेश व बस्तर के भाईचारे के लिए अमन की दुआ मांगी गई। साथ ही एक दूसरे को ईद की बधाई दी गई। वहीं हिंदू भाइयों ने भी ईदगाह पहुंचकर जमात के लोगों को ईद की शुभकामनाएं देते हुए सबके लिए सुख समृद्धि की कामना की। ईद के अवसर पर सुबह से ही विभिन्न ईदगाहों पर मस्जिदों में मुस्लिम रोजेदारों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई और ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। एक माह तक चलने वाले माह रमजान की समाप्ति के बाद सोमवार को चांद दिखने पर मंगलवार को पूरे बस्तर क्षेत्र में ईद शांतिपूर्ण माहौल में मनाया गया। मस्जिदों में ईद उल फितर की नमाज अदा करने के बाद सभी एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। इस अवसर पर अंजुमन इस्लामिया कमेटी के सदर ने कहा कि 2 साल के बाद आज ईद मनाने की अनुमति प्रशासन की ओर से दी गई है, जिससे आज सभी समाज के लोग खुश हैं। साथ ही कहा कि बस्तर में अशांति का जल्द दूर हो और प्रदेश सहित बस्तर में सुख शांति बनी रहे। 2 साल काम होने के बाद बड़ी खुशी हुई। सब लोग उत्साहवर्धन से ईदगाह में हम लोग ईद की नमाज अदा फरमाए। उसके बाद यहाँ कब्रस्तान में अपने मरहूमीन को फूल और चादर पेश किए। यहाँ पे खासकर ऊँट वाले हजरत हैं शहर कुतुब के, और उनके बारगाह में दुआ किए उनकी बारगाह में और सभी जगह दुआ किए कब्रिस्तान में। अल्लाह हम सबको कामयाबी अता फरमाए और ईद की मुबारकबादी, मैं फिर से मुबारकबादी देता हूँ शुक्रिया वालों का और तमाम जनप्रतिनिधियों का मुबारकबादी और शुक्रिया बहुत बहुत।